हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बलार्ड और बस्टर क्रक्स ये मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी एक वेस्टर्न है। जब भी आप वेस्टर्न सुनते हो तो आपको लगता है कि काउबॉयज, गन शूटिंग, इस तरह की मूवी होंगी, पर इस मूवी में अलग अलग सिक्स स्टोरी लाइन्स हैं। उस पीरियड में जो वेस्टर्न होते थे, उस पीरियड्स में हमें यह सब दिखाया गया है। हमें वेस्टर्न का एक फ्लेवर भी इस मूवी में मिलेगा, पर जनरली सिक्स स्टोरीज, अलग अलग स्टोरीज हमें इस मूवी में दिखाई गई है। ये जनरल मूवी एक डेथ के बारे में है। अलग अलग किस्से डेथ के हमें सुनाए गए हैं, और इससे हमें डेथ की गहराई समझाने की कोशिश इस मूवी के क्रिएटर करते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 है, और बड़ी अच्छी मूवी ये बनी है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस मूवी की फर्स्ट स्टोरी लाइन आती है। इस स्टोरी में बस्टर स्क्रग ये एक मेन कैरेक्टर है। हमें घोड़े पर गीत गाता हुआ चलता हुआ दिखता है। ये गीत गाते गाते माउंटेन्स में जा रहा होता है। फिर वो हमसे बात करता है कि मेरा नाम तुमने सुना होगा। उस पर एक काउंटी होती है, बस्टर क्रग उसका नाम होता है, और उसे गाना गाने वाला भी कुछ लोग कहते हैं। उस पर एक बड़ी बाउंटी होती है। अगर आपको बाउंटी नहीं पता होगी तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक इनाम की तरह होता है। पुराने समय में अगर पुलिस को किसी को पकड़ना होता है तो बाउंटी वो रख देते थे। जिस आदमी पर बाउंटी रखी होती है, तो जिंदा या मुर्दा किसी भी तरीके से उसे अगर कोई लेकर आए तो उसे वो इनाम दे दिया जाता है। तो यह बाउंटी बस्टर स्क्रग्स पर होती है। पर हमें जो ये कैरेक्टर दिखाया गया है, ये केयरलेस टाइप होता है। ये फिर गीत गाता गाता चलता है और फिर हमें कहता है कि मैं हमेशा गीत गाता रहता हूँ। मेरी जो घोड़ा है उसे भी अच्छा लगता है जब मैं गीत गाता हूँ, और हमारा सफर अच्छे से गुजर जाता है। फिर वो हमें कहता है कि यही कहीं एक रेस्टोरेंट है जहाँ जाकर मैं पत्तों के गेम खेल सकता हूँ। तो उस रेस्टोरेंट में जाता है। ये रेस्टोरेंट जैसा हमें एक्सपेक्टेड है वैसा नहीं होता है। एक छोटा सा एक ही घर होता है, वहाँ ये बार होता है। जब वो वहाँ जाता है तो बारटेंडर से बोलता है कि क्या मुझे विस्की मिलेगी। बारटेंडर बोलता है कि इस स्टेट में विस्की अलाउड नहीं है। फिर बस्टर स्क्रग देखता है कि वहाँ जो लोग होते हैं विस्की पी रहे होते हैं, तो पूछता है ये लोग क्या पी रहे हैं। बारटेंडर से बोलता है कि हम विस्की किसी को भी सर्व नहीं करते, जो आउटलॉज होते हैं उन्हें ही हम सर्व करते हैं। बस्टर स्क्रग की बोलता है कि मैं भी क्रिमिनल हूँ, मैं भी आउटलॉग ही हूँ, तुम मुझे सर्व कर सकते हो। पर फिर उसे सर्व नहीं कर रहे होते, जो आदमी होते हैं उन्हें भी उसके साथ विस्की नहीं पीनी होती। जो सब लोग बैठे होते हैं उसमें से एक बोलता है कि तुम जैसे लोगों के साथ मैं विस्की नहीं पीता। बस्टर क्रक बोलता है कि तुम मुझे जज कर रहे हो, तुम मुझे ऐसे जज नहीं कर सकते। बस्टर क्रक के कपड़ा वगैरह सब अच्छे होते हैं, तो इस वजह से वो लोग उसके साथ विस्की वगैरह नहीं पीना चाहते, वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए अब वो उसके साथ विस्की नहीं पी रहे। बस्टर क्रक फिर भी उन्हें इंसिस्ट करता है। वो बहुत ही परसुइंग होता है, पर फिर भी वो मान नहीं रहे होते। उनका जो बॉस होता है वो खड़ा हो जाता है, वो अपनी गन पर हाथ रखता है। जैसे हमें वेस्टर्न फिल्म से पता है कि हमेशा दो लोग खड़े हो जाते हैं और उनमें फाइट होती है। जो आदमी फर्स्ट गन निकाल कर दूसरे आदमी को मार देगा वो जीत जाता है। तो बस्टर क्रग भी अपनी गन निकाल लेता है और उसको मार देता है। उसके साथ और तीन लोग होते हैं, तीनों लोगों को भी बस्टर क्रग मार देता है। जो बारटेंडर होता है वो भी गन निकालने की कोशिश करता है, पर उससे पहले बस्टर क्रग उसे मार देता है। फिर वो वहाँ से निकलता है और एक टाउन में आता है। उसके लिए ये टाउन न्यू होता है। वहाँ फिर वो एक बार को देखता है। जब वो वहाँ जाता है बहुत सारे लोग वहाँ होते हैं। वहाँ जाने के बाद डोर पर उसे रोक लिया जाता है। वहाँ का गार्ड उसे कहता है कि हम यहाँ गन्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं करते। बस्टर के पास बहुत सारी गन्स होती है, वो सब वो उसे निकाल कर दे देता है। उसे कार्ड्स का गेम प्ले करना है, तो कुछ लोग ये गेम खेल ही रहे होते हैं। इस टेबल पर चार लोग होते हैं जो गेम खेल रहे हैं, तो इसमें से एक आदमी अपने कार्ड्स देखता है और इस गेम से आउट हो जाता है। बस्टर क्रग को ये देखकर अच्छा लगता है कि बहुत ही अच्छे टाइम पर ये निकल गया है, तो इस गेम पर वो आकर बैठ जाता है। वो उनसे परमिशन लेता है, तो वो बोलते हैं कि जो हैंड वो आदमी छोड़कर चला गया है वो अगर खेलने के तुम रेडी हो तो तुम खेल सकते हो। बस्टर जब ये कार्ड्स देखता है तो इससे वो पीछे हट जाता है, उसे ये हैंड नहीं खेलना होता। इन सब लोगों में एक आदमी होता है, वो बोलता है कि अब तुमने कार्ड्स देख लिए हैं, तुम्हें ये खेलना ही पड़ेगा। बस्टर बोलता है कि तुम मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बस्टर क्रग फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। वो आदमी उसे जानता है और फिर गन निकाल लेता है। बस्टर कहता है कि इस डोर में तुम्हें गन लाना अलाउड नहीं है, तुमने इस प्लेस को डिसरिस्पेक्टफुल किया है, यहाँ प्लेस के जो रूल्स है उसे तुमने वायलेट किया है। बस्टर उसे अपनी गन रखने के लिए बोलता है, पर वो आदमी कहता है कि अगर मैंने गन नहीं रखी तो क्या करोगे। उस आदमी ने बस्टर पर गन तानी हुई होती है। बस्टर फिर जिस टेबल पर बैठा होता है उस पर वो लात मारता है। उस टेबल की एक प्लान निकल जाती है और उस आदमी के हाथ पर वो पड़ जाती है। इससे वो आदमी अपने आप को ही शूट कर देता है।
अब वो मर चुका है। इसके बाद बस्टर क्रक उसके बारे में गाना लिखता है। सब लोग भी चेयर करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो आदमी मरा है उसका ब्रदर वहाँ आता है। उसका ब्रदर उसे कहता है कि तुमने धोखे से उसे मार दिया है। पर बस्टर क्रक उसे जो सिचुएशन हुई है ये सब उसे समझाता है। अब जो आदमी मर चुका है उसका ब्रदर उसे आमने सामने एक कॉम्पिटिशन के लिए इन्वाइट करता है। ये वही गन की कॉम्पिटिशन होती है। और फिर हमें दिखता है कि ये दोनों रेडी हो जाते हैं। बस्टर जो होता है उसका बहुत ही अच्छा निशाना होता है। जो आदमी उसके अपोजिट होता है उसके सारे फिंगर्स वो उड़ा देता है। बस्टर जो होता है उसका निशाना बहुत ही अच्छा होता है। वो ब्रैगिंग करने के लिए पीछे मुड़ जाता है। वो फिर मिरर में उस आदमी को देखता है और उस पर निशाना लगता है। बहुत ही दूर से उसे भी वो मार देता है। जब वो उसे मार देता है तब घोड़े पर और एक आदमी आता है। ये जो आदमी होता है बाउंटी हंटर होता है। यानी कि बस्टर को ही मारने के लिए वो यहाँ आया हुआ होता है। फिर ये दोनों फिर से कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। बस्टर फिर हमें कहता है कि हमेशा मुझे ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो यंग होते हैं और अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। जो आदमी उसे मारने के लिए आया हुआ होता है वो गन चलाता है। बस्टर अपनी जब हेड देखता है तो हेड के आर पार गोली चली गई होती है। वो फिर हमसे कहता है कि मुझे पता चल जाना चाहिए था कि ये मुझे धोखा देकर मुझे मार डालेगा। जब वो मर जाता है तब हमें उसकी सोल दिखाई गई है। वो गाते गाते हेवन तक पहुंच जाता है। अब हम आ जाते हैं सेकंड स्टोरी पर। सेकंड स्टोरी में एक यंग मैन हमें बैंक की तरफ देखता हुआ दिखता है। वो बैंक में जाता है और उसको वो लूटना चाहता है। वहां जाकर वहां का जो बैंकर होता है उससे वो बात करता है। वो बोलता है ये बहुत ही अच्छी बैंक है। वो बैंकर कहता है कि ये पूरी 3 काउंटी में एक बड़ी सी बैंक है। जब मैंने पहले शॉट में देखा था तो इतनी बड़ी भी ये बैंक नहीं होती। वो एक ही आदमी वहां होता है जो इस बैंक को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर ये यंग मैन उसे पूछता है कि कभी तुम रॉब हुए हो। फिर वो कहता है कि एक दो बार लोगों ने कोशिश की थी पर वो इतना सक्सेसफुल कभी भी हो नहीं पाए। फिर ये यंग मैन एक अपनी गन निकालता है और उसे पूरे पैसे देने के लिए बोलता है। ये बैंकर फिर नीचे झुकता है। नीचे वो शॉट गन से उसे शूट करने की कोशिश करता है। यंग मैन बच जाता है। फिर काउंटर के दूसरे साइड में यंग मैन आ जाता है। तब वो देखता है तो वहाँ 3 शॉट गन होती है। वो मर सकता था पर वो ओल्ड मैन वहां से भाग चुका होता है। फिर ये यंग मैन भागने लगता है। पैसे लेकर वो अपने घोड़े तक जाता है। तभी जो बैंकर था वो उसे शूट करने लग जाता है। ये जो बैंकर होता है बहुत ही शातिर होता है। इसने अपने आसपास जो पॉट्स होते हैं उससे शील्ड बनाई होती है। वो इस यंग आदमी के पास भागता है और अपनी गन से इसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो यंग मैन है वो डायरेक्टली पुलिस के पास है। पुलिस उसे सेंटेंस सुना रही होती है और उसे अब वो मारने वाले होते हैं। उसके गले में फांसी का फंदा होता है। ये सेंटेंस उसे सुना देते हैं और फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम अपनी सफाई में क्या बोलना चाहते हो या नहीं। फिर वो यंग मैन बोलता है कि जो बैंकर था उसने फेयर फाइट नहीं लड़ी। फिर वो उसे मारने वाले होते हैं तभी वह आदिवासी आ जाते हैं। ये सब जो पुलिस होती है इन सबको वो मार देते हैं। उसमें से एक आदिवासी लीडर इस यंग मैन को देखता है और फिर वहां से हंसकर चला जाता है। इसके गले में फांसी का फंदा होता है तो बहुत देर तक यही अटका रहता है। वहाँ कैटल फार्मिंग करने वाला एक आदमी आता है। वो उसे उस फंदे से छुड़वाता है। फिर वो दोनों बात करने लग जाते हैं। वो कहता है कि ये जो फार्मिंग मैं करता हूँ इसके लिए मुझे कुछ लोग लगते हैं। मैंने 2 लोगों को हायर किया था पर सीजन खत्म हो गया तो वो भी चले गए। मुझे भी किसी आदमी की ज़रूरत है तो मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ इसीलिए मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ। ये जब वो बात कर रहे होते हैं तभी बहुत सारी पुलिस वहाँ आ रही होती है। ये देखकर वो कैटल फार्मिंग करने वाला वहां से भाग जाता है और ये यंग मैन फिर से पकड़ा जाता है। इसे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है। उसके साथ और 2-4 लोग होते हैं। उसमें से एक आदमी बहुत ही रोने लग जाता है। फिर ये यंग मैन उसे बोलता है कि आप पहली बार कर रहे हो। उसमें भी उसे ह्यूमर दिखता है। जो लोग इसको फांसी के फंदे पर देख रहे होते हैं उसमें से एक ब्यूटीफुल लेडी भी होती है। वो दोनों एक दूसरे से हंसते हैं और तभी इसको फांसी की सजा हो जाती है और ये मर जाता है। ये स्टोरी यही खत्म हो जाती है। अब थर्ड स्टोरी इस मूवी में स्टार्ट होती है। ये जो थर्ड स्टोरी है इसमें एक ओल्ड मैन हमें गाड़ी चलाता हुआ दिखता है। ये हॉर्स की गाड़ी होती है और इसमें वो एक गांव में आता है। इस गांव में आकर वो पोस्टर्स लगाता है कि वहाँ एक वो शो करने वाला है। कठपुतलिया का जैसे शो होता है इस तरह से भी उसका स्टेज होता है और उसके गाड़ी में ही ये स्टेज बन जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। जब पर्दे गिरते हैं तो यहाँ एक आदमी होता है। इस आदमी के हाथ पैर कुछ भी नहीं होते। ये फिर उन्हें अलग अलग स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देता है। जो ओल्ड मैन था अब वो पैसे इकट्ठा कर रहा है और बहुत सारे पैसे उसे मिल जाते हैं। जब रात होती है तो उस आदमी को वो खाना खिलाता है। जिसके हाथ पैर नहीं है तो इसकी बहुत ही केयर वगैरह वो सब लेता है। अलग अलग जगह वो जाते हैं और ये शो करते रहते हैं। ये ओल्ड मैन हमेशा उसकी केयर रखता है।
अलग अलग वो जगह जाते हैं और फिर विंटर आ जाता है। विंटर में वैसे भी लोगों को खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होते, तो अब उनके पास उतने पैसे नहीं आ रहे होते, बहुत ही कम लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। ये ओल्ड मैन हमें प्रोस्टिट्यूट के यहाँ आते हुए दिखता है, वो सब मज़े करता है। फिर वो प्रोस्टिट्यूट पूछती है कि क्या इस लड़की को भी मेरी सर्विसेज चाहिए, तो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएगा। अब जो नेक्स्ट शो होता है उसमें बहुत ही कम लोग आए हुए होते हैं, क्योंकि वैसे भी कंडीशन एडवर्स होते हैं तो ज़्यादा कुछ पैसे मिल नहीं सकते। ये शो जब खत्म हो जाता है तब ये ओल्ड मैन गांव में जाता है। इस शो में हैन होती है, अलग अलग नंबर्स वहाँ लगाए हुए होते हैं। ये हैन किस नंबर को हिट करेगी इस पर ये बेटिंग चल रही होती है। बहुत सारे लोग इस पर इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत सारे कमाई इसमें हो रही होती है। ये जब वो देखता है तो इस ओल्ड मैन को भी आइडिया आता है कि वो भी ये कर सकता है। सब पैसे लगाकर वो अब ये हैन बाय कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि ये हैन और हैंडीकैप्ड लड़का ये दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये गाड़ी फिर रुक जाती है। ये गाड़ी जहाँ रुकी होती है वहाँ एक बड़ी खाई होती है। ओल्ड मैन वहाँ जाता है, एक बड़ा सा पत्थर उठाता है, उसे वो नीचे डालकर देखता है। यहाँ छोटी सी नदी होती है और ये खाई भी बहुत ही बड़ी होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें सिर्फ हैन गाड़ी में दिखाई गई है। इसका मतलब है इस ओल्ड मैन ने उस हैंडीकैप लड़के को मार दिया है, उसे उस खाई में उसने ढकेल दिया है। यही ये स्टोरी भी खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं फोर्थ स्टोरी। इस स्टोरी के पहले हमें बहुत ही अच्छी एक कंट्री साइड दिखाई गई है। एक रिवर होती है, उसके पास एक ओल्ड मैन आ जाता है। ये जो ओल्ड मैन होता है ये डोंकी के साथ जर्नी कर रहा होता है। वो जब इस रिवर के पास आता है तो एक शवल निकलता है। वहाँ की जो मिट्टी होती है उस शवल में वो लेता है और एक पॉट में रख देता है। पॉट में रखी हुई मिट्टी फिर वो नदी में जाता है और नदी के पानी से उसे साफ करता है। वो हमें फिल्टर करता हुआ दिखता है और फिल्टर हो जाने के बाद उसे सोना मिलता है। इस सोने को वो रखता नहीं, इस सोनों को भी वो बहा देता है। अब वो अलग अलग जगह इस शवल से मिट्टी निकालता है और ये प्रोसेस हमेशा दोहराता रहता है। वो काउंट करता है कि कितने सोने के पार्टिकल्स उसे मिले हैं। वो उसे अभी भी अपने जेब में नहीं रख रहा होता है, अलग अलग जगह वो खोदता है और हर जगह मार्क कर कर रखता है। जब रात होती है तो वो आराम करने लग जाता है। नेक्स्ट दिन फिर से जो उसने किया था वही करने लग जाता है। जब उसे भूख लगती है तो एक झाड़ पर वो चढ़ जाता है। वहाँ पंछी ने जो अंडे दिए होते हैं उस अंडे से वो ऑमलेट बना लेता है। रिवर से उसने फिश भी लाया हुआ होता है। अच्छे से वो लंच करता है और फिर से काम में लग जाता है। जब शाम होती है तो वो अपने आप से ही बात करने लग जाता है। वो कहता है कि मिस्टर पॉकेट, तुम मुझसे बच नहीं सकते। ये मिस्टर पॉकेट जो होता है ये आदमी नहीं है, हमें लगता है कि एक पागल आदमी है। पर नेक्स्ट दिन फिर से वो खोदने लग जाता है, तब उसे एक बड़ा सा टुकड़ा सोने का मिलता है। और भी वो खोदता है तो उसे बड़ा सा रॉक मिलता है और बहुत सारा सोना उसे वहाँ मिल रहा होता है। उसे लगता है कि यहाँ कोई तो है। उसे कुछ मूवमेंट सुनाई देती है और फिर वो जब पीछे देखता है तो वहाँ एक काउबॉय होता है, उसे वो शूट कर देता है। वही पड़ा हुआ होता है तो वो कौवा है उसे देखने के लिए नीचे जाता है। ये जो ओल्ड मैन है ये अभी भी नहीं मरा है, तो इसलिए अब इस दोनों में फाइट हो जाती है। ये जो कौवा होता है इसको ये ओल्ड मैन आदमी मार देता है। जब वो इस गड्ढे से ऊपर आता है तब देखता है तो जो बुलेट थी उसके आर पार निकल चुकी है। वो अपने आप का ख्याल रखता है, जरा आराम करता है और बहुत ही अच्छा अब वो हो जाता है। फिर हमें दिखता है कि उस गड्ढे से बहुत सारा सोना वो निकालता है और दो बड़े बड़े बैग सोना वो वहां से निकाल लेता है। जिस आदमी को उसने मारा था उस आदमी को एक गड्ढे में गाड़ देता है। फिर वो बोलता है कि मैं फिर से तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, यानी कि और भी सोना वहाँ है, वो सोना वो लेने के लिए फिर से आएगा। इसके बाद हमें दिखता है कि वो जहाँ से आया था वहाँ लौट जाता है। यही ये स्टोरी भी खत्म हो जाती है। अब हम चलते हैं फिफ्थ स्टोरी के पास। स्टोरी स्टार्ट होती है और हम बहुत सारे लोग एक डिनर टेबल पर दिखते हैं। ये एक मोटल की तरह जगह होती है जहाँ सब लोग रह सकते हैं। ये सब स्ट्रेंजर होते हैं। फिर हमें इंट्रोड्यूस होती है इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर, इसका नाम एलिस होता है। एलिस से एक आदमी बात करता है कि तुम्हारे नेक्स्ट प्लान क्या है। फिर वो उससे कहती है कि मैं और मेरा ब्रदर ओरेगन जाने वाले हैं। वह उसका ब्रदर जो होता है उसका एक फ्रेंड होता है, उसके साथ वो बिजनेस स्टार्ट करने वाला होता है। यहाँ हमें पता चलता है इसके ब्रदर का जो फ्रेंड है उसकी और एलिस की इन दोनों की शादी होने वाली है। ये अनसर्टन होता है, यानी कि अब तक इसका ब्रदर का जो फ्रेंड है वो एलिस से नहीं मिला है। नेक्स्ट सीन में हम दिखता है कि बहुत सारे हॉर्सेस वगैरह कैटल के साथ एलिस और उसका ब्रदर अब ओरेगन के लिए निकल चुके हैं। ये जो सब लोग होते हैं ये झुंड में चलते हैं, यानी कि कोई भी अकेला ना चल सके और वो सेफ भी रहे, इसलिए वो ये सब कर रहे होते हैं।
फिर एरिस उसके ब्रदर को बोलती है कि जो लोग हैं वो ज़रा कंप्लेंट कर रहे हैं, उनके साथ एक डॉग होता है जो हमेशा बाग करता रहता है, इससे सब लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो इसलिए एलिस उसके ब्रदर को बोलती है कि सब लोग इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं। वो कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये कोई भी प्रॉब्लम करे पर इसका कोई नहीं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर जब रात होती है तब एलिस का ब्रदर हमें खांसता हुआ दिखता है। एलिस उसके लिए परेशान होती है। जब नेक्स्ट दिन आता है तब उसका ब्रदर मर चुका होता है। ये जब सब लोग चल रहे होते हैं, उसका लीडर जो होता है वहाँ वो आता है, उसे वो सॉरी वगैरह कहता है। इस लीडर के साथ और एक उसका साइड किक टाइप होता है, उसका नाम होता है बिली। बिली उसके लिए सॉरी कहता है, फिर उससे पूछता है कि तुम अब क्या करने वाली हो, आगे जाने वाली हो या पीछे जाने वाली हो। वो कहती है कि मैं पीछे जाऊंगी तो मेरे लिए कोई भी वहाँ नहीं है, यानी कि वो अब अपनी लाइफ के लिए कंटिन्यू करने वाली होती है। फिर वो उसे अपने ब्रदर को गाड़ने के लिए हेल्प करता है, उसके सब कैटल्स वगैरह होते हैं। तब उसका जो हायरड बॉय होता है वो उसे हेल्प करने वाला होता है। जब रात होती है तब एलिस इस बिली के पास एक प्रॉब्लम लेकर आती है। एलिस बिली को कहती है कि ये जो बॉय है इसको मेरे ब्रदर ने $400 वो उसे देगा, ऐसा उसने उसे वादा किया था। अब वो मुझसे पैसे मांग रहा है पर मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। उसका जो ब्रदर होता है उसके पॉकेट में सब पैसे होते हैं, और उन्होंने अभी अभी उसको ब्रदर को गाड़ दिया है, और इसके बाद उन्होंने बहुत सारा ट्रैवल किया है। वो वापस भी नहीं जा सकते, और अगर वो वापस चले भी गए तो वहाँ कुछ साइन वगैरह कुछ भी नहीं है जिससे वो उसके ब्रदर को ढूंढ सकते हैं। फिर ये बिली उसे कहता है कि मुझे ज़रा वक्त दो, एक दो दिन में सोचता हूँ और फिर उसे क्या कहना है ये हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट दिन जब बिली उसके पास आता है तो बिली कहता है कि जो डॉग है सबको डिस्टर्ब कर रहा है, कि क्या ये तुम्हारा डॉग है। तो फिर एलिस कहती है ये मेरा डॉग नहीं है, मेरे ब्रदर का था। तो फिर बिली को बहुत ही अच्छा लगता है कि अब ये डॉग इसको मार सकता है। बिली फिर उस डॉग को दूर लेकर जाता है, उसे शूट करने की कोशिश करता है पर वो डॉग वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट रात फिर से एलिस बिली के पास आती है, उसे कहती है कि मेरा जो बॉय है उसे अभी के अभी पैसे चाहिए, वो आगे नहीं जा रहा। फिर बिली कहता है कि उसको जो पैसे प्रॉमिस करे गए थे वो तो उसे चाहिए, ये कुछ वो गलत नहीं कर रहा। एलिस के पास अब प्रॉब्लम होती है कि अगर वो बॉय उसे छोड़कर चला गया तो उसके कैडल्स वगैरह वो कैसे उसके साथ लेकर जाएगी। तो बिली फिर ऑफर करता है कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, मैं और मेरा पार्टनर आगे पीछे कर कर तुम्हें ओरेगन तक पहुँचा सकते हैं। पर उसे कहता है कि मुझे 2 दिन दो, मैं इस पर ज़रा सोचता हूँ और कुछ सोल्यूशन मैं इस पर निकालूंगा। फिर हमें दिखता है कि बिली और उसका पार्टनर जो होते हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बिली उसे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी सेटल हो जाऊँ। वो एलिस से शादी करने के लिए प्रपोजल देने वाला होता है, उसका पार्टनर उसे कुछ भी नहीं बोलता, वो इस पर एग्री भी नहीं करता और कुछ डिनाई भी नहीं करता। वो फिर एलिस को आकर बोलता है मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूँ ये बहुत ही रिस्पेक्ट से मुझे तुम्हें बताना है। वो फिर कहता है कि तुम्हारा जो बॉय है उसे बहुत सारे पैसे तुम्हें देने हैं तो ये पैसे मैं दे सकता हूँ। फिर वो उसे शादी के लिए प्रपोजल देता है, वो उसे उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। फिर वो और भी कहता है, वो कहता है कि मेरा जो पार्टनर है उसने शादी नहीं की है, वो अभी तक हम लोगों के साथ फिरता रहता है, वो अब ओल्ड हो चुका है, उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है, वो ज़मीन पर सोता है और हमारे साथ ही रहता है, तो ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए। अगर हम शादी कर लेंगे तो हमें बहुत सारी लैंड भी मिल जाएगी, हम दोनों फार्म कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। इस पर फिर वो सोचने के लिए वक्त लेती है। जब नेक्स्ट दिन होता है तो एलिस ने उसे अपना आंसर नहीं बताया होता तो फिर से वो उसे पास जाता है, उसे कहता है कि अगर तुम्हें गलत लगा होगा तो वो सॉरी उसे कह रहा होता है। फिर एलिस उसे कहती है कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। वो उसे कहती है कि मैं मेरे ब्रदर के साथ रहती थी पर मुझे कभी भी इतना सेफ नहीं लगा है, जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे बहुत ही सेफ लगता है। फिर वो अपने पार्टनर को कहता है कि अब हम दोनों शादी कर लेने वाले हैं। रात में ये दोनों बिली और एलिस दोनों जब बात कर रहे होते हैं तो अपने ब्रदर के बारे में बिली को कहती है, वो कहती है कि मेरे ब्रदर को हमेशा कुछ चीज़ें सर्टन ही लगती थी, जो भी ये बिजनेस वो अपने फ्रेंड के साथ करने वाला था वो ज़रा बड़ा चढ़ा कर बोल रहा था, ये ट्रू होगा ऐसा भी उसे नहीं लग रहा था, वो एक फेल्यूर था उसे बता रही होती है। वो फिर कहती है कि मैं कभी भी इतनी सर्टन मैंने फील नहीं किया है। फिर बिली भी कहता है कि जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है, यही हमें लाइफ में आगे लेकर जाती है, इसमें कुछ भी गलत वगैरह कुछ नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिली का जो पार्टनर होता है वो देखता है कि एलिस वहाँ नहीं है। एलिस कहीं घोड़े पर चली गई होती है तो घोड़े के पैर के निशान देखकर उस डायरेक्शन वो निकल जाता है। बहुत दूर एलिस उसके डॉग के पास होती है, जो डॉग बच चुका था वो वहाँ उसके पीछे भागता भागता आ चुका है। वो उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। बिली का पार्टनर फिर कुछ आदिवासी लोगों को देखता है, वो एलिस को उतरने के लिए बोलता है और एक पीस साइन उस आदिवासी को देता है।
पर वो आदिवासी उस पर अब हमला करने वाला होता है। फिर वो उसे छुपने के लिए बोलता है, वो उसे कहता है यहाँ बहुत सारे गड्ढे हैं जिसमें वो लोग गिरकर मर सकते हैं, तो मैं इसका एडवांटेज लेने वाला हूँ, मैं इन्हें बड़ी फाइट दे सकता हूँ। फिर वो उसे गन देता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें अपने आप को मार डालना है। वो इसके लिए रेडी नहीं होती। फिर वो उसे कहता है कि अगर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ वो बहुत ही बुरी बुरी चीजें करेंगे, इससे अच्छा तुम खुद से सुसाइड कर लो। फिर बिली का पार्टनर बहुत सारे लोगों से लड़ता है, बहुत सारे लोगों को मार भी देता है। वो आदिवासी जब वापस जा रहे होते हैं, वो आदिवासी वापस जाने लग जाते हैं। इसमें से एक जिंदा होता है और वो बिली के पास आता है। बिली के पार्टनर को उसने मार दिया, ऐसा एलिस को लगता है। एलिस फिर अपने आप को ही गोली मार देती है। बिली का पार्टनर जो होता है जिंदा होता है, उस आदिवासी को मार देता है। वो एलिस को देखता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। ये स्टोरी भी खत्म हो जाती है। अब लास्ट स्टोरी, सिक्स स्टोरी पर हम चलते हैं। इस स्टोरी में हॉर्स की जो बग्घी होती है उसमें पांच लोग सफर कर रहे होते हैं। इसमें से दो आदमी होते हैं वो पार्टनर्स होते हैं, वो दोनों बाउंटी हंटर्स होते हैं, पर ये जो बाकी तीन लोग हैं इन्हें पता नहीं है। एक औरत होती है, एक फ्रेंच मैन होता है और एक जंगली आदमी उनके साथ होता है। ये जब गाड़ी चल रही होती है तो उसमें वो गाना गाने लग जाते हैं। इस गाने से वो जो जंगली आदमी होता है वो सोया होता है पर वो उठ जाता है। वो जब उठता है तो अपनी स्टोरी सुनाने लग जाता है, कैसे वो जंगलों में रहता था, उसकी जो वाइफ थी उसकी और उसकी भाषा दोनों अलग अलग थी, फिर वो एक साथ रहते थे। उनकी सेक्स लाइफ भी वो डिस्कस करता है, पर बोलता है यह एक लेडी है, इसके सामने मैं डिस्कस नहीं कर सकता। उसमें से फिर एक आदमी पूछता है क्या तुम उससे प्यार करते थे। फिर वो कहता है कि उसकी लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज अलग थी, तो मुझे पता ही नहीं कि वो क्या करती थी, पर जब मैं उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखता था तो मुझे पता चल जाता था। जो सब लोग होते हैं कहीं भी वो रह रहे हो, कोई भी उनकी भाषा हो, फिर भी वो सेम ही होते हैं। उसमें वो लेडी होती है तो वो बोलती है कि लोग सेम नहीं होते, लोग अलग अलग होते हैं। वो बहुत ही अपटाइट होती है, वो बोलती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, वो भी लिटरेचर पर ही काम करता है, तो वो बताता है कि लोग सेम नहीं होते, बहुत सारे लोगों में टाइप्स होते हैं। वो अपने हस्बैंड से मिलने जा रही है ये उन्हें बताती है, जो फिर फ्रेंच मैन होता है। तो फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। वो कहती है कि ऑफकोर्स हम दोनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन दोनों का डिवोर्स हो चुका होता है और 2 दिन से बाद वो उससे मिलने जा रही होती है। फ्रेंच मैन उसे कहता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता होगा, हर आदमी की प्यार की जो डेफिनेशन होती है वो अलग अलग होती है। वो ये सुनने के लिए रेडी नहीं होती है, तो फ्रेंच मैन कहता है कि तुमने ही बताया कि तुम्हारा हस्बैंड एक प्रोफेसर था, तो वो एक बड़ा आदमी था, तो उसकी प्यार की डेफिनेशन अलग है, तुम उससे प्यार करती थी, तो इसी कंपैशन को वो एक वापस करने के लिए तुमसे थोड़ा सा प्यार ज्यादा देता होगा। अब तुम 3 साल बाद उसके मिलने जा रही हो तो ये सेम नहीं होगा। वो फिर उसे पूछता है कि 3 साल तक तुम कहाँ रही। फिर वो कहती है कि मेरी डॉटर और सन इन लॉ के साथ में रही थी। वो कहता है कि तुम उस पर बोझ बन चुकी थी। वो कहती है कि मेरे बेटे ने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा। वो कहता है, वो फ्रेंच मैन कहता है ऐसा नहीं कहते पर ऐसा ही होता है। ये सब बातें बहुत ही रियल उसके लिए हो जाती है और उस लेडी को हार्ट अटैक की तरह सांस लेने में ज़रा तकलीफ आने लग जाती है। ये देखकर वो सब लोग कहते हैं कि हमें घोड़ा रोक देना चाहिए, पर जो हमें बाउंटी हंटर दिखाए गए वो बोलते हैं कि जो हमारा घोड़ा चलाने वाला है वो कहीं भी रुकने नहीं वाला। इस औरत को फिर ज़रा सांस आने लग जाती है, थोड़ी देर बाद नॉर्मल में आ जाती है। फिर वो फ्रेंच मैन उससे पूछता है कि ये घोड़े वाला क्यों नहीं रुक रहा। फिर वो बाउंटी हंटर उनका प्रोफेशन उसे सुनाते हैं। ये जो घोड़े वाला होता है उसको भी उन्होंने कैदी बनाया होता है, उसको टर्न ही नहीं करते और पूरे लाइफ तक उनका वो साथी बन जाता है। ये जो बाउंटी हंटर होता है ये बोलता है कि हम जो डिस्कशन कर रहे थे तो इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ दो टाइप के लोग होते हैं, जिंदा या मुर्दा। ये बाउंटी हंटर ही है तो इसी के बारे में बोल रहा होता है। बाउंटी हंटर उसे कहता है कि जब भी मैं उन लोगों को मारता हूँ तो मेरा पार्टनर उन्हें स्टोरी सुनाता है, वो अपने आप को इस स्टोरी से डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर मैं उन्हें मार देता हूँ। फिर वो कहता है कि जब भी मैं लोगों को मारता हूँ तो उनके लास्ट पलों में वो एक सेंस बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी लाइफ क्या थी और उन लोगों ने उनकी लाइफ में क्या एक हासिल किया है ये वो ढूंढ रहे होते हैं, एक डिवाइन पावर को वो ढूंढते रह जाते हैं। फिर वो औरत उससे पूछती है कि क्या उन्हें वो मिलता है। वो कहता है कि मुझे क्या पता, मैं तो बाउंड्री अंडर ही हूँ। तो इस मूवी का पॉइंट, इन स्टोरीज में हमें जो बताया गया है वो हमें यहाँ पता चलता है कि लाइफ एक डिस्ट्रैक्शन होती है, हम हमेशा खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं और हमारा जो आखिरी पल होता है उसमें भी हम कुछ ना कुछ तो एक सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। फिर वो एक मॉडल तक आ जाते हैं,
जब वो उतरते हैं तो इन बाउंड्री हंटर ने एक डेड बॉडी ऊपर लाई हुई होती है, वो नीचे गिराते हैं। ये सब ये देखकर बहुत ही डर जाते हैं। फिर ये बाउंड्री हंटर आराम से होटल में चले जाते हैं। ये तीनों लोग जो होते हैं ये बहुत ही डरे हुए होते हैं, फिर भी इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता तो ये डोर बंद कर लेते हैं और होटल में चले जाते हैं। मूवी की जो फर्स्ट स्टोरीज थी वहाँ में जो डेथ दिखाई गई थी वो इनसिंसियर थी। वो आस्ते आस्ते लोग मर जाते हैं और उस पर मजाक उड़ाया गया था, पर जैसे ये स्टोरी प्रोग्रेस होती है वैसे ये डार्क बनती जाती है। बहुत ही अच्छी मूवी है, आपको देखना है तो आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।